Good morning, my dear students. How are you? Myself Rachita Kaur. I am a lecturer of economics at Angel Public School. Today we are doing a chapter of 7th and macroeconomic. The chapter name is aggregate demand and aggregate supply. Do you know what is the meaning of aggregate demand? First of all, इसकी short form बेटा क्या होती है? AD. AD को हम क्या बोलते हैं? Aggregate demand. और AS aggregate supply. Aggregate demand क्या होता है बेटा? Aggregate demand होता है जिसमें हम किसी एक particular चीज की बात ना करके हम ओवरऑल बात करते हैं कि टोटल गुड्स और टोटल सर्विसेज कितनी मार्केट के अंदर प्रोड्यूस की गई है और कितनी डिमांड की गई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। इसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ आता है कि कंसेप्ट ऑफ द एडी, एग्रीगेट डिमांड का क्या कंसेप्ट है। एडी डज नॉट रेफर, ओके, एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट, ओके, इट रेफर टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी एडी के अंदर हम जितनी भी मार्केट गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं वो किस में बात की जाती है? एन अकाउंटिंग ईयर। सेकेंड लाइन के अंदर आप देखिए एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर अंदर हमने इकोनॉमी ने कितना प्रोडक्शन किया है और कितनी सप्लाई की है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी आइसक्रीम पार्लर की बात कर रहे हैं कि एक आइसक्रीम पार्लर ने कितना प्रोडक्शन किया है, नहीं, हम सभी की बात करेंगे कि टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हुआ है एक साल के अंदर, ठीक है, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। अब देखिए सेकेंड थर्ड आता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं। इसको मेजर करने के लिए बेटा तीन बातें होती है। फर्स्ट वन, एडी मेजर बाय द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्राइस लेवल? अब जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि बेटा एग्रीगेट डिमांड, आप कैसे पता करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड है? जनरल प्राइस लेवल होता है कि किसी भी गुड का वो प्राइस जो आपके बराड़ा में भी मिलता है, सेम प्राइस आपके अम्बाला में भी मिलता है, सेम प्राइस आपके दिल्ली में भी मिलता है, यानी किसी भी जगह से आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे आपको सेम प्राइस पे मिलेगा। अगर तो ऐसी कंडीशन है तो आप एडी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर गुड का सेम प्राइस अलग अलग जगह पर होना, दैट इज जनरल प्राइस लेवल। सेकेंड थिंग आपके पास क्या आता है? लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आपके घर में इनकम अच्छा आता है, ठीक है, हाई इनकम आती है, 1 लाख प्लस आता है, तो ऑब्वियस है आपकी डिमांड भी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू 1 लाख होगी। अगर इनकम आपके यहाँ पे 5000 बिलो आता है तो डिमांड कैसी होगी? ऑब्वियस है डिमांड भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। नंबर थर्ड पे आपके पास आता है बेटा नेगेटिव, आई सेड नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। अब मैंने आपको बोला है नेगेटिव रिलेशन है, किस चीज़ का नेगेटिव रिलेशन है? एडी का और प्राइस का। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी शोरूम पर जाऊँगी तो मैं सबसे पहले अगर किसी कॉस्ट्यूम को देखती हूँ, किसी ड्रेस को देखती हूँ, तो मेरा क्या जाएगा? सबसे पहला मेरा थॉट होगा ये जो चीज़ है ना ये मुझे क्या हो जाए, ये सूट जो है मुझे किस में मिल जाए? सस्ते प्राइस में मिल जाए। तो एडी मेरा यानी एग्रीगेट डिमांड मेरा कब होगा? जब उसका प्राइस कम होगा। अगर वो मेरी पॉकेट से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस मैं उसे नहीं खरीदूंगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन किसका है? प्राइस का और एग्रीगेट डिमांड का। तो आपने तीन बातें देखी है कि आप मेजर कैसे करेंगे। पहला जनरल प्राइस लेवल आपका होना चाहिए, दूसरा इनकम ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की इनकम क्या है, थर्ड आपके पास है नेगेटिव रिलेशन। इसका नेगेटिव रिलेशन है प्राइस का और एडी का। नेक्स्ट वन आपके पास आता है एडी ओनली इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब उसने कहा कि एडी किसके साथ डिपेंड करता है? यहाँ आपका प्राइस का, लेकिन पॉजिटिव रिलेशन इसका किसके साथ होगा? इनकम के साथ। अगर इनकम बढ़ेगा, ठीक है, अगर इन केस मैं आपको बताती हूँ, अगर इन केस इनकम इंक्रीज होता है, अगर इनकम इंक्रीज होता है तो एडी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज होगा, आपकी इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ नेगेटिव है कि अगर आपका प्राइस किसी कॉमोडिटी का प्राइस, गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो एडी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब उसने कहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर पर्सन क्या करेगा, विश करेगा,
किस चीज को स्पेंड करेगा, किसी भी चीज को, पैसे को कैसे खर्च करेगा उसकी इनकम के अकॉर्डिंग। और पीपल प्लान टू स्पेंड, अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगी, उस पैसे को जोड़ना, इकट्ठा करना शुरू करूँगी, सेविंग शुरू करूँगी, तब जाकर उस चीज को क्या करूँगी, उस डिमांड को पूरा करूँगी। तो ये केस भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कंसेप्ट में क्या क्या क्लियर हुआ बेटा, एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है, इन अ मार्केट इट रेफर टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फर्स्ट। सेकेंड, इसको कैसे मेजर करेंगे, अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और इसके अंदर एक और भी पता चला कि फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, फ्लो कंसेप्ट इसको क्यों कहा है और स्टॉक कंसेप्ट क्यों नहीं कहा, क्योंकि डिमांड जो होती है वो कॉन्टिन्यू हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज होने का मतलब है कि आज मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, कल को मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फ्लो कंसेप्ट कहूँगी। स्टॉक कंसेप्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर मुझे वो चीज़ हमेशा के लिए ही पसंद है, ठीक है, तो हम इसको फ्लो कंसेप्ट भी बोलते हैं। थर्ड, उसको बोला आपको ईयर को मेजर करना बताया आपको तीन तीन पॉइंट्स में। नेक्स्ट आपको इनकम बताइए, इनकम के साथ कैसा रिलेशन है इसका, इनकम के साथ इसका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास उसने बताया कि इनकम के अकॉर्डिंग वो पर्सन जो है वो स्पेंड कैसे करती है। अब इस चीज़ को उन्होंने एक आपको टेबल और एक डायग्राम के थ्रू बताया, ठीक है, बिहेवियर ऑफ एडी, एडी का क्या बिहेवियर है, एडी का बिहेवियर क्या था, अगर वाई हमने क्या शो किया है, यहाँ इनकम को हम वाई लिखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर वाई को हम इनकम शो करते हैं, और यहाँ एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड अभी आपने पढ़ा है। अब उसने कहा कि इनकम जीरो है, फर्स्ट लेवल पे मेरी इनकम कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो क्या मेरी डिमांड नहीं होगी, मुझे कंजम्पशन नहीं करना, कंजम्पशन करना है। अब वो कंजम्पशन मुझे कैसे करना है, चाहे मैं किसी से उधार पैसे लूँ, चाहे मैं किसी से मांग कर लेके आऊँ, कुछ भी करूँ, तो मुझे वो कंजम्पशन करना है, तो मैं 30 का कंजम्पशन करके सोचने जाऊँगी। सेकेंड लेवल पर मेरा एक केस ऐसा आता है कि मेरी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, 20 रुपी इनकम हो जाती है, लेकिन कंजम्पशन कितना है, 35 रुपी, यानी अभी भी मेरी इनकम कम है और मेरा कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि डिमांड जो है वो मेरी ज़्यादा है। नेक्स्ट लेवल पे मेरी 40 इनकम हो जाती है और एडी क्या है वो भी 40 हो जाती है, यानी थर्ड लेवल के ऊपर मैं दोनों कंडीशन में क्या करती हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में, जितना इनकम है उतना ही एडी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेवल पे मेरे पास क्या आता है, वाई इनकम जो है वो कितनी है, 60 है, और मेरी कंजम्पशन जो है यानी एडी डिमांड कितनी है, 45 डिग्री है, ठीक है, 45। तो मेरी इनकम जो है मेरी डिमांड से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इन नेक्स्ट केसेस में भी सेम क्या है, इसी तरीके से 80 जो है मेरी इनकम है, 50 जो है एडी डिमांड है, 100 रुपी मेरे पास है, 100 रुपये में उससे 55 रुपी का मैं क्या कर रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड कर रही हूँ। मेरे पास नेक्स्ट केस के अंदर क्या है, 120 रुपी इनकम जो है कॉन्टिन्यूस बढ़ती चली जा रही है और डिमांड भी कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है, लेकिन मेरी इनकम से कम बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को उसने आपको डायग्रामेटिक कर्व के अकॉर्डिंग बताया, तो सबसे पहले आप देखेंगे OX, OY एक्सिस, OX पे हमेशा आपको इनकम शो करना है, OY एक्सिस पे आपको हमेशा AD और जो भी अनदर थिंग आपसे पूछा जाए वो OY पे बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है कि 90 डिग्री के एंगल जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको आप 45 डिग्री एंगल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये जो लाइन आपको शो कर रही है, ये क्या लाइन शो करेगी, ये आपकी इनकम को शो करेगी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डायग्राम को फॉलो कीजिए, पहला इनकम कितना है, 0, इनकम कितना है यहाँ पर, 0, ठीक है, उसमें एडी डिमांड कितना हो रहा है आपका, एडी डिमांड कितना हो रहा है, 30, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इनकम कितना है, 20 पे आपकी कितनी डिमांड हो रही है, 35, ठीक है। थर्ड लेवल पे आपके पास कितना है, 40, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दोनों क्रॉस कर रही है, क्यों क्रॉस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी आपका 40 है और एग्रीगेट डिमांड भी आपका क्या है, 40 है, तो ये क्या कौन सा लेवल हो जाएगा। अच्छा, इस एक पॉइंट को हम एक और पॉइंट भी बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब दो लाइन्स, ठीक है, एक जगह पे कट करती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास आता है 60, ठीक है, ये 60 है, देन आपके पास एडी कितना हो रहा है, आपके पास 45 हो रहा है, ठीक है। 80 है फिर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 है फिर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 120 है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। एक लेवल आएगा कि जिसमें आपकी जो इनकम है आपकी कंजम्पशन से नीचे है, ये वाले लेवल पे आपकी कंजम्पशन से नीचे है क्या आपकी इनकम। एक लेवल आ रहा है जिसमें आपकी इनकम जो है उसके एडी के बराबर है, और ये वाला लेवल जो है आपकी इनकम ज़्यादा है और आपकी एडी जो है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या टॉपिक आता है, कंपोनेंट ऑफ एडी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा कि कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है, जिस वर्ड के साथ लिखा होता है कंपोनेंट, यानी उस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट।
ठीक है, कंपोनेंट में क्या है, एडी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, एडी के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड है, तो हम इसको कंपोनेंट बोलेंगे। अब उसके टाइम कंपोनेंट में क्या क्या है, तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, किसके, क्लोज इकोनॉमी में। अब पहले तो ये बताना चाहिए कि क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी होती है बेटा कि जब हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी एक देश के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी। यानी इसके अंदर अभी हमारा बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर इसको टू पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। टू पार्ट कौन से हैं, फर्स्ट तो आपको है एडी, इसमें इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है सी, सी मतलब कंजम्पशन, ठीक है, किसका कंजम्पशन, हाउस होल्ड का कंजम्पशन। सेकंड आपके पास है आई, आई का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ये दो पार्ट्स के अंदर आप इसमें क्या इसको बांटा गया। सेकंड आपके पास आता है देखो कि एग्रीगेट डिमांड होती है, देखो प्रोडक्शन किया है, किसने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है। अब प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन किया है, क्या प्रोड्यूसर उस प्रोडक्शन को अपने पास रखने नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, वो उसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा प्रोडक्शन कहाँ पे जाएगा, हाउस होल्ड के पास जाएगा। अब ये तो है नहीं कि हाउस होल्ड अपने आप से प्रोडक्शन कर रहा है, उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये कॉम्पोनेंट है, किसके कॉम्पोनेंट है, एडी के, एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड होगा तो कंजम्पशन करना जरूरी है और प्रोडक्शन करना भी जरूरी है, तो ये दोनों केस क्या कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। थर्ड केस के अंदर क्या आता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब थ्री सेक्टर के अंदर ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी है, सी प्लस आई तो है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या केस है, दोनों के अंदर जो कंजम्पशन कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर और जो प्रोडक्शन कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर, इन दोनों के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्लूड करती है, टैक्सेस पे लेती है, क्या करती है, इन दोनों से क्या करती है, टैक्स लेती है, ठीक है, और ये बदले में इसको क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टू थ्री सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ द एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी बोला है, जैसे मैंने आपको क्लोज इकोनॉमी बोला था, तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब है, कि इसके अंदर हम इंडिया के बाहर की भी बात कर रहे हैं, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सी है, सेम वहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है, कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट एंड जी गवर्नमेंट, प्लस यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है, दैट इज एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। कैसे, जब हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल के आएगा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और टेक केयर, थैंक यू।